जिला परिषद चुनाव 2020 में संपन्न हुई थी जैसलमेर जिले में, जिसमें वार्ड संख्या 15 से कान भारती ने और गुड्डी माली ने दोनों ने सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल की थी। कान भारती ने कांग्रेस की तरफ से आवेदन किया था और गुड्डी माली ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से आवेदन किया था। कान भारती ने अपने जो सूचना दी जाती है आवेदन पत्र के अंदर, उसमें अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की सूचना उसमें दर्शित नहीं की थी, जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक के अपराधों के संबंध में आरोप विरचित कर दिए गए थे। इन तथ्यों को उसने अपने आवेदन पत्र में छिपाया, इस कारण से उसका आवेदन पत्र उस समय स्वीकार हो गया। अगर वो दिखाते तो उनका आवेदन ही निरस्त हो जाता। जिसके बाद में जब चुनाव संपन्न हुए तो चुनाव में कान भारती कांग्रेस की ओर से विजयी घोषित हुए एवं गुड्डी माली उसमें पराजित हुई थी, जिन्होंने अपने 1 माह के भीतर माननीय जिला न्यायालय जैसलमेर के अंदर चुनाव याचिका लगाई। और उसमें हमने ये कहा कि कान भारती के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोखरण के न्यायालय में 420 67 68 71 120B के अपराधों में 5 वर्ष से अधिक के अपराध का आरोप सुनाया जा चुका है, विरचित कर दिया गया है और प्रकरण अभी भी लंबित है। इसके बावजूद कान भारती द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र में ये तथ्य छिपाया गया और इसकी जगह उसने मात्र शून्य लिख दिया। और तथ्य छिपाते हुए उसने आवेदन किया है उसका जो चुनाव हुआ है ये अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि वो इसमें सक्षम कैंडिडेट ही नहीं था। और इस संबंध में हमारे द्वारा न्यायालय की सक्षम दस्तावेज पेश कर दी गई। श्रीमती गुड्डी माली ने अपने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराए। इन सब को देखने के उपरांत और दोनों पक्षों की, और इसमें जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भी पक्षकार होते, और जितने भी सदस्य उस समय चुनाव में भागीदार होते उन सभी को सूचना जाती है, तो उन सभी की ओर से यहाँ न्यायालय के अंदर उपस्थिति दर्ज हुई। और दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आज माननीय जिला न्यायाधीश जी जैसलमेर के न्यायालय द्वारा कान भारती के चुनाव जो 2020 में हुए थे वार्ड संख्या 15 से जिला परिषद के, उनको निरस्त घोषित कर दिया गया है और अब कान भारती आज से जिला परिषद के सदस्य नहीं हो।